Yes. Right. First one, law of conservation of mass. Okay. So let's start with the law of conservation of mass. You know what is chemical reaction? You know what is chemical reaction? इसको बोलते हैं chemical reaction. Chemical reaction का meaning क्या होता है? Chemical reaction उसको बोलते हैं where existing bonds are broken, where and new bonds are formed. बराबर. जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ. Now don't write anything. Close your books, everyone. Pen रख के ना book बंद कर दो. Suppose hydrogen reacts with chlorine gas. It produces hydrogen chloride. Do you agree with this? Yes. तो इसे मैं reaction क्यों बोल रहा मालूम है? Because there's breakdown of hydrogen hydrogen bond. There's breakdown of chlorine chlorine, which result in formation. H combines with Cl. H combines with Cl, and it result in formation of HCl. Where existing bonds are broken and new bonds are formed. जिसमें ना पुराने वाले बॉन्ड जो है जो पहले से वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं. ऐसे को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन. क्या बोलते हैं? रिएक्शन. Now let us understand the first law, law of conservation of mass. What do you mean by word conserve? इस word का क्या meaning समझते हो? Conserve मतलब क्या? Normal meaning. Conserve word का normal meaning क्या होता है? Save करना ना. बराबर, जितना है उतना ही रखना. ये law भी वैसा ही है. ये law भी वैसा ही है. हम लोग बोलते हैं कि during a chemical reaction, mass can neither be created nor can be destroyed. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट कर सकते हो ना तो मास डिस्ट्रॉय कर सकते हो. इफ यू स्टार्ट विद 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन विल एंड विद 100 ग्राम. मतलब 100 ग्राम से स्टार्ट किया रहेगा ना तो 100 ग्राम ही मिलेगा. 200 से स्टार्ट किया है तो 200 मिलेगा. समझा? इसमें मास कम होने वाला नहीं. बराबर. तुम्हें स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस वॉज गिवेन बाय लेवसियर. कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? लेवस. तो मैंने सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम बता दिया. बराबर, गिवन बाय लेवसियर. सेकंड पॉइंट में क्या आ गया कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में ऐसा लिखूंगा कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. या फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास बिफोर रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. मैं इसको एक्सप्रेशन में कैसे बोलूंगा? एक्सप्रेशन में मैं ऐसे बोलूंगा, इधर लॉ आ जाएगा. बराबर, इधर आएगा एक्सप्लेनेशन थर्ड पॉइंट में कि मास बिफोर रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. बराबर, अगला पॉइंट होगा इसका एग्जांपल. लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल में कैसे बोलूंगा. एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है कि सपोज 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज देयर, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एग्जांपल सुनना ध्यान से. 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट On thermal decomposition gives x gram of carbon dioxide and x gram of carbon dioxide and 56 gram calcium oxide. Find out the value of x. Find out the value of x. Solve कैसे करोगे? देखो CaCO3 कितना दिया बोलो? 100 ग्राम. What do you mean by thermal decomposition? On heating it gets decomposed. On heating उसका breakdown होता है. On heating क्या होता है उसका? Yes. क्या करोगे? बोलो क्या लिखोगे? ये CaCO3 हो गया. Heat किया इसको. क्या मिला बोलो? CaO+. CaCO3 का मास कितना है बोलो? 100 ग्राम. CO का मास कितना है? 56 ग्राम. CO2 का मास कितना है? X ग्राम. हाँ या ना बोलो? ठीक है. मैं क्या बोलता हूं कि मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मास बिफोर रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. तो उसके अकॉर्डिंग ये कहना राइट दैट 100 ग्राम मास इज इक्वल टू 56 ग्राम प्लस X. सो देयरफॉर X इज इक्वल टू 44 ग्राम. समझा? न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा? क्लियर है? तो लॉ गिवन बाय साइंटिस्ट लेवसियर. लॉ का स्टेटमेंट क्या है? मास बिफोर रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. एक्सप्लेनेशन में भी वही लिख के दिया, मास बिफोर रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास. एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन. लॉ का क्वेश्चन लिखो. नो नीड टू राइट ऑल दिस, नोट्स में गिवन है सब. राइट,
क्वेश्चन लिखो, x ग्राम हाइड्रोकार्बन, स्टार्ट राइटिंग, x ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, x ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स y ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड y 1 ग्राम वाटर. यस, x ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स, वापस बोल दो, x ग्राम हाइड्रोकार्बन, वही लिखा है बोर्ड पे, x ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स y ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड y 1 ग्राम वाटर. Done. Find out number one, mass of oxygen gas. Moles of oxygen gas. Molecules of oxygen gas used in used in combustion. देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, कैसे बता रहा हूं सॉल्व, कैसे इसको टेक्निक कैसे समझेंगे. देखो, x ग्राम हाइड्रोकार्बन है जो कंबशन पे क्या दे रहा है, y ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, y 1 ग्राम वाटर एंड फाइंड आउट क्या बोला, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन कंबशन. ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि कंबशन रिएक्शन में जब भी वाटर मिलता है, दैट वाटर इज ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन कंबशन रिएक्शंस. आई रिपीट, बराबर, फॉर्मल लिस्ट में आप ऐसा नोट करके लिख सकते हैं इसको, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वाटर इज फॉर्म, ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन वाटर इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वाटर इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. जो भी जो वाटर मिलेगा वो लिक्विड की फॉर्म में होगा, बराबर, ये वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड, दैट वाटर इज फाउंड इन लिक्विड फेज. फॉर्मूले प्रॉपरली अपडेट कर रहे हैं ना. Yes. ठीक है, लिसन, चलो नाउ डोंट राइट एनीथिंग. पहले ऐसे क्वेश्चन का ना आप इक्वेशन बना लो, कितना ग्राम हाइड्रोकार्बन है, x हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइड्रोकार्बन, CXHY, वेयर x इज द नंबर ऑफ कार्बन, y इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, जो कंबशन कर रहा है, व्हाट यू मीन बाय कंबशन, कंबशन का सिंपल मीनिंग होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस, रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस. बोलिए क्या हो जाएगा, CXHY plus O2 gives you CO2 plus water, क्या बोलते हैं, हाँ यार, ठीक है, ये वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस. ये डिपेंड करता है कि क्या है, शुरुआत के एल्केन होंगे फर्स्ट फोर कार्बन, तो वो गैस हो सकते हैं, बाद में लिक्विड भी होते हैं, बाद में सॉलिड भी होते हैं, बट ये हमेशा क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा. कितना कितना ग्राम हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हैं, बोलो, x ग्राम. ठीक है, ये x ग्राम हो गया. कितना ग्राम CO2 मिल रहा है, y ग्राम. कितना ग्राम वाटर मिल रहा है, y 1 ग्राम. एग्री, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज, अज्यूम करते हो ऑक्सीजन इज x 1 ग्राम, लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन इज, हाँ ठीक है, मान लीजिए x 1 ग्राम है, बराबर, क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस x1 इज इक्वल टू y प्लस y1. एग्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर x1 इज इक्वल टू y प्लस y1 माइनस, एग्री, हाँ यार, तो ये x1 क्या हो गया, व्हाट इज x1, दिस इज द मास ऑफ, बोलो मास ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे आ जाएगा, बोलो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, आप बोलेंगे मास अपॉन मास अपॉन, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, कितना है मास का वैल्यू, x1, तो मैं बोलूं मोल्स क्या हो गया, x1 अपॉन, बराबर, जो बेसिकली क्या हो गया, x1 की जगह पे और क्या लिख सकते हो, y प्लस y1 माइनस x अपॉन 32, जिस दिन x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा. नहीं समझा, बोलो हाँ या ना. व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे आएगा, बोलो, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इफ यू नो नंबर ऑफ मोल्स, कैन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स,
कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग Na. वन मोल हाउ मेनी मॉलिक्यूल? टू मोल. थ्री मोल? एक्स मोल. वाई मोल? वॉट मॉलिक्यूल्स. वॉट इट इज? मॉलिक्यूल्स. बराबर. तो मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस देखो कैसे आ जाएगा. मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा x1 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय Na. डू यू एग्री विद दिस? क्या बोलते हो? सही है. सब इंतजार किसका है? x का. अभी तो x ही चाहिए ना. x1 मिल गया, बात खत्म होगी. हाँ यार. ठीक है, क्लियर है? कॉपी. सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करो, बस जो एग्जाम्पल दिया ना क्वेश्चन कॉपी करो. ये बाकी सब दिया है, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 23. हाइड्रोकार्बन का इन जनरल रिप्रेजेंटेशन इज CXHO, वेर x इज द नंबर ऑफ कार्बन, स्मॉल x, स्मॉल y इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो उसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा हाइड्रोकार्बन है. उसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है. तो विल बैलेंस एंड अकॉर्डिंगली विल सॉल्व. वो तो आगे का क्वेश्चन हो गया. अभी अपना क्वेश्चन मास के ऊपर था ना, कंजर्वेशन ऑफ मास. एक्स की वैल्यू कहाँ मिल गई क्या? एक्स वैल्यू मिल गई. तू ही देखेगा ना मैंने. क्या तू ही देखेगा और क्या? अरे जब x1 का वैल्यू मिलेगा तभी तो Na मल्टीप्लाई करके मतलब है. जब x1 की वैल्यू नहीं तो मल्टीप्लाई करके मतलब क्या है? मेरे को लगा मिल गया x1 का वैल्यू. स्लिप ऑफ टंग हो गया थोड़ा. ओके डन गाइस, जल्दी. द सेकंड वन इज law of constant proportion, also popular by the name of law of definite proportion. Constant proportion भी नाम है, definite proportion भी नाम है. Let us understand. अभी जैसे मान लो कि मैं water prepare कर रहा हूँ. क्या prepare कर रहा हूँ? Water. तो water मुझे naturally भी मिलेगा और water मुझे मैं artificially prepare भी कर सकता हूँ. बराबर. दोनों form of water में इस बात का कभी difference नहीं रहेगा. जो hydrogen oxygen उसके अंदर present है और उनका जो masses का ratio है वो हमेशा फिक्स होगा. वो हमेशा क्या होगा? फिक्स. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गेट हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस? व्हाट इट गेट्स? नाउ फॉरगेट अबाउट बैलेंसिंग एंड ऑल. ठीक है, इससे मतलब नहीं है मुझे. व्हाट हैपेंस व्हेन NaOH रिएक्ट विद HCl? बराबर. वाटर प्लस NaCl. शायद पहली बार आपके सामने कोई किसी ने लिखा होगा वाटर प्लस NaCl. नॉर्मली जनरली वी राइट वॉट NaCl plus water. Does it matters? कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी मर्जी में वाटर पहले लिखना चाहता हूँ. हाँ या ना? Yes. बराबर. दूसरा सपोज Na2CO3 reacts with HCl. It will give you H2O plus CO2 plus NaCl. बराबर. NaHCO3 on strong heating. चाहिए तो टू मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हैं. गिव्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Na2CO3. दिस आर द फोर वेरियस मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर. हाँ है ना. अब ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये जो वाटर मिल रहा है उसके अंदर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो है. अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन से रेशियो में दिख रहा है आपको? 2:1. ये कौन सा रेशियो बताते हो आप? ये उनके एटम्स का रेशियो है कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है. बराबर.
ये क्या रेशियो है, मास का रेशियो है, एटम का रेशियो है, एटम मास का रेशियो कैसे आएगा? अगर इफ आई कंसीडर देयर इज 1 मोल ऑफ वाटर, सो डोंट यू थिंक देयर विल बी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? डू यू एग्री विद दिस? 2 ग्राम एंड 16 ग्राम, सो व्हाट इज द रेशियो? 1:2. आप किसी भी प्रोपोर्शन, किसी भी सोर्स से वाटर को बनाओ, दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो विल बी ऑलवेज, हां दिस रेशियो विल बी ऑलवेज फिक्स्ड. समझा? मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, यू कैन से कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स. समझा? दैट रेशियो विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, वो रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस. CaCO3 on thermal decomposition produces CO2 plus CaO. बराबर. NaHCO3 on strong heating gives you carbon dioxide plus water plus Na2CO3. बराबर. These are the various methods for the preparation of carbon dioxide gas. Nature में भी carbon dioxide gas मिलता है. आप किसी भी carbon dioxide gas को ले लो, उसके अंदर if you check the ratio of masses of different elements present. Ratio of masses of different elements present in a compound will be always a fixed ratio. Will be always fixed. वो ratio हमेशा fixed होगा. Carbon अगर मैं 12 gram मानता हूँ, तो उसके लिए oxygen required होगा 32 gram. हाँ है ना? बराबर. The ratio will be what? 3. अब question कैसे पूछेगा वो समझो. इसका theory difficult नहीं है. क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बराबर. एंट्रेंस में तो लॉ का स्टेटमेंट थोड़ी ना पूछेगा. वो क्या पूछेगा कि ये कौन सा लॉ हो सकता है. तो जब वो ऐसे वर्ड यूज करे कि कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टू और मोर एक्सपेरिमेंट्स, कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टू और डिफरेंट सोर्स, तो समझ जाना वो कौन से लॉ के बारे में डायरेक्टली बोलना चाहता है. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. नहीं समझा? बराबर. Clear was. This law was given by scientist Joseph Proust. Scientist given Joseph Proust. इसमें law क्या बोलता है कि ratio of different different elements will be always fixed for a compound, irrespective of their source. उनके सोर्स से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. ठीक है. राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक. क्वेश्चन लिखो. इन एन एक्सपेरिमेंट In an experiment, 2.4 gram of iron oxide on reduction gives 1.68 gram of Fe. 1.68 gram of Fe. In another experiment, 2.9 gram of 2.9 gram of oxide gives 2.9 gram of oxide gives 2.03 gram of Fe 2.03 gram of Fe
Fe on reduction. Show that these data illustrate the law of constant proportion. आपको बताने की ये सब लॉ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में वैलिड है या नहीं है, बराबर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. देखो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट वर्ड लिखा है ना, तो इनडायरेक्टली तो समझ ही गए कि आप ये होगा ही वैलिड, बट फिर भी प्रूफ करो कैसे. ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर, बराबर, एक्सपेरिमेंट नंबर वन. ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर टू, बराबर. आयरन ऑक्साइड के अंदर ये Fe है. जो पहला वाला आपको ऑक्साइड दिया है उसके अंदर Fe का अमाउंट कितना है बोलो. इन एक्सपेरिमेंट नंबर वन अमाउंट ऑफ Fe बोलो 2.4 ग्राम, बराबर. जो रिडक्शन करने पे कितना Fe मिल रहा है, 1.4. ये हो गया आयरन ऑक्साइड, बराबर, जिसमें Fe कितना है 1.68 ग्राम, बराबर. आया ना, अगर Fe इतना है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसका है, आयन और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना रहेगा बोलो, ऑक्सीजन कितना रहेगा, रिमेनिंग इज ऑक्सीजन है यार, डोंट राइट एनीथिंग. क्या लिख रहे हैं देखो, पहले मैं बता देता हूँ, 2.4 है और ये 1.68 है, बराबर. कितना रिमेनिंग कितना हुआ, 0.8 अब आपको क्या बताना है कि लॉ वैलिड है या नहीं, बताओ लॉ वैलिड है, लग रहा है, क्या लग रहा है, लॉ वैलिड है, सोचो. लग रहा है, लॉ क्या बोलता है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, विल बी ऑलवेज फिक्स्ड. अब ये 1.68 है और ये 0.72 है, दोनों का क्या रेशियो आएगा बताओ, 1.68 0.72 क्या रेशियो आएगा. कैन आई कंसीडर 168/72, कैन आई कंसीडर 84/36, 42/18, हाँ है ना, 21/7/3, what is 7/3? 3 2s are 6, 3 3s are 9. कितना रेशियो आएगा, इन दोनों का रेशियो क्या है बोलो, 2.33/1. This is the ratio of Fe and oxygen. अब इसका रेशियो निकालो, this is 2.03, this is 0.87. If you double ना 0.87, so it is lesser than 2.03, बराबर. If इसको आप 3 times करेंगे ना तो ये 2.03 से बहुत ज्यादा होगा, मतलब ना तो 2 टाइम्स है ना तो ये भी इतना ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लो. इसका भी रेशियो क्या आएगा, 2.3/1. क्या ये दो कंपाउंड दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से Fe ऑक्सीजन देखा गया, आंसर इज यस, बराबर. बट स्टिल देयर रेशियोज आर सेम, तो लॉ इज वैलिड और इनवैलिड, ऐसा चेक करना है. आया समझ में आपको, इधर मास था ना, मैंने क्या बोला था, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट. आपने मास देखा, मास का रेशियो निकाला गया, तो फिर ठीक है, कॉपी करो, तो फोटो लेने वाले नहीं है क्या, हाँ कौन सा,
masses of different elements. ये क्या हुआ? रेशियो ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट different element is always fixed. Irrespective of their source. Then? Irrespective of their source. Yes, sir. चलो नेक्स्ट लॉ देखते हैं. थर्ड वन Okay, listen. Third one, law of multiple proportion. तीसरा जो लॉ है ना उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नाउ द लॉ इज गिवन बाय साइंटिस्ट डाल्टन. स्टेटमेंट विल डू लेटर ऑन. जस्ट स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट. द लॉ इज गिवन बाय डाल्टन. स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट बोलता हूं कि कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, मान लो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं बराबर. And when they give two or more compounds, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, दस भी हो सकता है. दो एलिमेंट कंबाइन होकर कितना भी कंपाउंड दे रहा होगा, मैं दो मान के चलता हूँ. When two elements combine to give two or more compounds,
मान लो दिस इज ए बी एंड दिस इज क्या बात कर रहे वीडियो में भी अपनी इज्जत बचाना नहीं चाहिए इससे ज्यादा जरूरी अभी लिख रहा था नहीं ना When two elements combine to give two or more compounds, compound कितने भी हो सकते हैं loss का ना statement वगैरह कुछ नहीं है कोई पूछेगा नहीं तुमको loss का statement ठीक है loss के question difficult पड़ जाते हैं solve करने proof करना पड़ जाए जब तो मैं बोलता हूँ दो element combine हुए ना और दो compound बन गए A B and A B अगला line बहुत important है statement का अगला line ना law का अगला line बहुत important है मैं वापस एक बार यहाँ तक बोल दे रहा हूँ कि when two element combines When two element combine, they give two or more different compounds. For fixed mass of element A. इसका मतलब क्या हुआ? कि आप जो भी compound जितने भी बोल रहे हैं ना उसमें A का mass क्या होना चाहिए? Fixed. For fixed mass of element A, the ratio of masses of element B. The ratio of masses of is always in a simplest whole number ratio. Is always in a simplest whole number ratio. मतलब law क्या बोलना चाहता है कि जब दो या दो से ज्यादा जब दो element combine होके दो या दो से ज्यादा compound देंगे और उन compounds के अंदर किसी एक element का mass fixed है तो जो दूसरा element है ना उनके जो masses होंगे उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर होगा नहीं समझा एग्जाम्पल कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस लॉ में ना सिर्फ इंग्लिश है बस बाकी कुछ नहीं है अगर एक एक पॉइंट से समझे ये दो एलिमेंट हो गए दे विल गिव टू कंपाउंड्स मान लीजिए कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लेना है वो किसको भी करो मान लो कार्बन कर लिया कि देयर इज वन मोल कार्बन मोनोऑक्साइड देयर इज वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड सो हियर द मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम हियर द मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम एग्री यस फॉर फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट ए द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट बी इन अ डिफरेंट कंपाउंड विल बी ऑलवेज इन अ सिंपलेस्ट होल नंबर अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया तो लॉ इज वैलिड अदरवाइज लॉ इज चलो देखते ये ऑक्सीजन एक मोल अगर मानता हूं मैं तो कितना ग्राम हो जाएगा 16 ग्राम और इसका एक मोल 16 ग्राम 32 ग्राम मास का रेशियो दिख रहा है मास रेशियो इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया ना सो इट मीन इसमें लॉ इज वैलिड वन मोर सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस Give you sulfur dioxide gas and sulfur trioxide gas. For fixed mass of sulfur, don't you think दोनों जगह sulfur का mass अगर one one mole मारा तो fix ही है. उसमें oxygen कितना आएगा बोलो? 32 और इधर कितना आएगा? 48. So what is the ratio? नहीं समझ रहा. मैं बोलता हूँ hydrogen combines with oxygen. What happens when hydrogen combines with oxygen? Come on. H2 है ना? ये मान लो H2 हो गया और ये क्या हो गया H2O2 फॉर फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन विल बी हियर 1:2 कैसे बताओ हियर ऑक्सीजन इज 16 एंड हियर इट इज 32 डू एग्री विद दिस मान लो एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंस एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंस टू गिव यू ए बी टू गिव यू ए बी 2 टू गिव यू ए बी 3 एंड टू गिव यू ए बी 4 Don't you think in all the four compound the mass of A is fixed? Yes. आपको नहीं लग रहा A का mass fixed है चार के चारों compound में? Yes. अगर मैं चारों को क्या मानता हूँ one mole one mole one mole one mole बराबर? Assume कर लीजिए B का mass 10 है. B का atomic mass क्या है 10. तो उस हिसाब से B इधर कितना होगा? इधर 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 तो B का सब में mass का ratio क्या होगा? नहीं समझा क्लियर हुआ बात मेरा एनी डाउट विद दिस राइट अवे क्वेश्चन एक लॉ इनवैलिड होने का एग्जांपल
लॉ इलिडोली के लिए आप मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और बाद में फिर कोई अलग कंपाउंड C2O3 मान लीजिए आप, बराबर, तो इसमें CO.5 हो जाएगा, तो the ratio will be not in the simplest whole number ratio, but जब ऐसे compounds बनेंगे ना तो उनके अंदर law valid होता है, तभी तो law बना है, आया समझ में? Next लीजिए, ये चाहिए, जल्दी लो इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मासेस द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड जिसके पास एक 42.9% कार्बन है और एक में 20% कार्बन है आपको बोला है कि ये अगर डेटा दिया हुआ है तो बताओ ये जो दो ऑक्साइड है उनके अंदर मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ वैलिड है या नहीं है नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस
मैं बोलता हूँ दिस इज ऑक्साइड नंबर वन, ये कार्बन होगा उसके अंदर, ये ऑक्सीजन होगा बराबर, दिस इज ऑक्साइड नंबर टू। ऑक्साइड वन में कार्बन बोलो, टेल मी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑक्साइड वन, 42.9%। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, सॉल्व करके बता देना कितना है। ऑक्साइड टू में कार्बन कितना है, 20, रिमेनिंग कितना है 18, इसमें कितना रिमेनिंग आया 57.1। बहुत टाइम लेते हैं आप लोग बराबर। अगर मैं इसे परसेंटेज बोल रहा हूं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, परसेंटेज क्या होता है 100। हर बार फोन कर 42.9 and 20 बराबर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 42.9, हियर इट इज 57.1 ऑक्सीजन परसेंट, इसमें 20 और इसमें 80 है, बताने की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है, कैसे करेंगे बताओ, सोचो जरा। परसेंटेज तो पता चल गया, मास भी पता चल गया, परसेंटेज इट मींस व्हाट, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से बात हो रहा है ना, तो 100 ग्राम में 42.9 ग्राम क्या है कार्बन, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन, 20 ग्राम कार्बन और 80 ग्राम ऑक्सीजन बराबर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इन ऑक्साइड वन 42.9 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 57.1 ग्राम ऑक्सीजन, डू यू एग्री विद दिस। इन ऑक्साइड टू द 20 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 80 ग्राम ऑक्सीजन, डू यू एग्री विद दिस। 20 ग्राम कार्बन कंबाइन हो रहा है किससे, 80 ग्राम ऑक्सीजन। मुझे अगर इनका रेशियो कंपेयर करना होगा तो लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मैंने जो बार बार बोला था, एक एलिमेंट का मास फिक्स करना पड़ेगा। क्या इधर किसी एलिमेंट का मास फिक्स है, इफ 42.9 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 57.1 ग्राम ऑक्सीजन, मैं बोलता हूँ 1 ग्राम कार्बन कंबाइंड विद डैश ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, समझा मेरा बात, एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद डैश ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आंसर क्या आ जाएगा 4 ग्राम। इधर कितना आएगा बोल, सॉल्व करके बताओ, इफ 42.9 कंबाइंस विद 57.1 तो 1 कंबाइंस विद डैश, कैलकुलेट करके आंसर बोलो कितना होगा, कितना आ रहा है 1.33। यस करेक्ट आंसर है 1.33। अब ऐसा लग रहा है फॉर फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट ए द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट बी कंबाइंड इन ऑलवेज सिंपलेस्ट होल नंबर। देखो ये 1.33 है और ये क्या है 4 बराबर, तो 1.33 अपॉन 4 यानी 1/3 रेशियो क्या आ गया 1/3 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, आंसर इज यस। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है बात, समझा मैंने क्या किया। स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होता है मालूम है, स्टूडेंट बोलते हैं देखो 42.9 के लिए 57.1, 20 के लिए 80, ये दोनों कहां होल नंबर रेशियो में आ रहे हैं, लॉ इज नॉट वैलिड। बट वो ये भूल जाता है कि इट इज फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास कहां पे फिक्स है। क्या मैं ऐसा बोल सकता था 42.9 ग्राम कंबाइंड विद 57.1 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइंड विद डैश, 1 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइंड विद डैश, सो इन दैट केस द मास ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। हाँ या ना, और आप किसके मास का रेशियो निकालोगे, कार्बन का। अभी क्या किया है, कार्बन का मास फिक्स करके किसका रेशियो निकाला है, ऑक्सीजन का। आया समझ में, ठीक है। लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, नाउ इट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी टेक्सटबुक, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैसे बात करता है कि व्हेन थ्री एलिमेंट्स कंबाइन, अभी तक कितना एलिमेंट कंबाइन हो रहा था, अभी कितना कंबाइन होगा, नाउ एकदम बात क्लियर समझो। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मास इट मींस वी आर टॉकिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, when we talk about source, different methods, different experiment, मतलब मैं शायद किसके बारे में बोलना चाहता हूँ, law constant proportion,
when two element combines to give two or more compounds, law of multiple proportion. Three elements combine to give two or more compounds, law of reciprocity. मतलब दो एलिमेंट का बात हुआ तो मल्टीपल, तीन एलिमेंट का बात हुआ तो reciprocity. ये क्लियर हो जाएगा इसे, शॉर्टकट क्लियर ही है ना. चेक, ए प्लस बी किससे कंबाइन हो रहा है, बराबर. तो मैं क्या बोलता हूँ कि व्हेन ए प्लस बी कंबाइंस टू गिव यू सी, ए प्लस बी कंबाइंस टू गिव यू सी, ए प्लस बी कंबाइंस टू गिव यू सी, और कंपाउंड बन रहा है मान लो ए बी और ए सी. कंपाउंड क्या बना है, ए बी और ए बी और ए सी. फॉर फिक्स मास ऑफ एलिमेंट ए, फॉर फिक्स मास ऑफ एलिमेंट ए, अगर ए का जो मास फिक्स है, बराबर, ए का मास क्या है, तो B और C के मास का एक रेशियो होगा. बोलो हाँ या ना. मान लो इधर क्या रेशियो है, 1:1. मान लो ऐसा B और C के मास का क्या रेशियो है, 1:1. बराबर, वही सेम रेशियो आएगा, वही सेम रेशियो आएगा या उसका मल्टीपल आएगा, वही सेम रेशियो आएगा या फिर उसका मल्टीपल. When B and C combines directly, when B and C combines, एग्जाम्पल सुनो तब समझेंगे. एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूं, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, बराबर. व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस, व्हाट इट गिव्स, कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस, व्हाट इट गिव्स, मीथेन गैस. हाँ या ना, ठीक है. डोंट यू थिंक इन दीज टू कंपाउंड द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड, यस और नो. इफ आई कंसिडर वन मोल ऑफ CO2 एंड वन मोल ऑफ मीथेन, सो दोनों केसेस में 12-12 ग्राम होगा. अब आपको किसके मास का रेशियो निकालना है, जब इसका मास फिक्स हो जाएगा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितना मास लग रहा है, 32 ग्राम. हाइड्रोजन कितना लग रहा है, 4 ग्राम. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया फिर, 1:8. हाँ या ना, और हाँ ना, दिस वाज 4 ग्राम एंड दिस वाज 32. 432 का मतलब ही क्या होता है, बराबर. मैंने बोला या तो ये सेम रेशियो आएगा, या तो इसका मल्टीपल आएगा, या तो इसका मल्टीपल, या तो इसका मल्टीपल, या तो इसका मल्टीपल. व्हेन व्हेन दीज टू एलिमेंट कंबाइंस डायरेक्टली, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया. व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स, हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 2, ऑक्सीजन 16. आंसर क्या आ गया, बराबर. तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, सेम. दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, जब आप उन दोनों को रिवर्स कंबाइन करेंगे ना, बी और सी एलिमेंट को, तो उनका भी मास का रेशियो या तो एग्जैक्टली सेम आएगा, या तो सामने वाले रेशियो के मल्टीपल में आएगा. ये समझा बात मेरा, बराबर. जैसे मैं बोलता हूँ कि सल्फर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या बोलता हूँ, बोलो, सल्फर हाइड्रोजन एंड कंबाइन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. अगर दोनों केसेस में सल्फर का मास सेम है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या दोनों जगह सल्फर का मास सेम है, बोलो हाँ या ना. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम. 2 और 32 रेशियो क्या हो गया, 1:16 ना. एंड नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, गिव्स H2O में क्या होगा, 2:16 और 1:16. या तो रेशियो सेम आएगा, या तो उसी के मल्टीपल वाले में आएगा, 8 का जैसे मल्टीपल 16. नहीं समझा, वैसा. तो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो मैं आपको एक बार लॉ के पॉइंट्स शॉर्टकट वाले बोलता हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट मासेस, मतलब कौन सा लॉ, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास. We are talking about two elements to combine to give two or more compounds. Law of multiple proportion. Three elements combine to give two or more compounds. Reciprocal proportion. That compound is prepared from two or more different sources. Yes. Examples copy kar le. Explanation part I mean to say. And this law of reciprocal proportion is given on page number 25.
पेज नंबर 25 पे आ जाओ, एक छोटा सा पॉइंट है। कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन मिला, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन फॉर्म CO2SO2 मिला, SC2 लिख दिया है, वो CH2 है। पेज नंबर 25 लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिखा, हाँ उसके नीचे फॉर एग्जांपल दिखा, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन फॉर्म CO2SO2 मिला, हाँ एंड SC2 बराबर CSS2, कार्बन सल्फाइड नाम है उसका, कार्बन डाइसल्फाइड सुना होगा कभी ना कभी, CH2 हाँ बना दिया उसको। Done guys. Next is number 5. Law of combining volumes. Batel. Scientist, it is given by Gay Lussac. Scientist ka naam hai. Law kya statement mein bolta hu, pehle expression part se start karta hu. मान लो इथिलीन गैस है, कौन सा गैस? इथिलीन का फॉर्मूला पता है आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथिलीन? इथिन C2H4। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, तो ये जब प्रोड्यूस होगा ना तो ये प्रोड्यूस होगा इथेन गैस। मैं बोलता हूँ इथिन हाइड्रोजन और इथाइल है ना, तो इसमें क्या होगा, 100 ml ऑफ इथिन गैस रिएक्ट विद 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस -10 ml ऑफ इथेन गैस। काफी इजी क्वेश्चन है, कमऑन आंसर में। 100 ml ऑफ इथीन है, कंबाइन हो रहा है 100 ml ऑफ हाइड्रोजन से, इट विल गिव यू -ml ऑफ इथेन। यस वेरी नाइस, योर आंसर इज इनकरेक्ट। बोलो सर यही तो है, 100 ml प्लस 100 ml इक्वल टू 200 ml, गैसेस ऐसे कंबाइन नहीं होती, गैसेस ऐसे कंबाइन नहीं होती। एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस गिव यू HCl गैस बराबर, 100 ml of hydrogen gas combined with 100 ml of chlorine gas produces -ml of HCl. Answer is 200 ml. तो आपने कंफ्यूज कर दिया, एक बार 100 प्लस 100 हुआ, एक बार 100 प्लस 100 200 हुआ, मतलब ये प्लस वाला पॉइंट तो नहीं है, ऐड नहीं करते, उनका रेशियो चेक करते हैं, उनका रेशियो। इधर देखो ये सब कौन से रेशियो में, इथीन हाइड्रोजन इथाइन, दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:1 बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग। ये कौन से रेशियो में, H2+Cl2H2HCl ना, दे आर इन द रेशियो ऑफ, अरे हाँ यार कुछ तो बोलो, मतलब अगर ये वन वन पार्ट होगा तो ये कितना पार्ट डेवलप करेगा, 2। आया समझ के, इसलिए 100 का क्या बना, तो मतलब गैसेस ऐसा एड नहीं होता,
they combine in a same way, in a similar way, as their coefficients are present. As their coefficients. Gases उसी ratio में combine होगा, gases उसी part में combine होगा, जिसमें उनका क्या होगा ratio. नहीं समझा बराबर? हाँ यार ना, ठीक है. जैसे मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस गिव यू अमोनिया गैस. N2 गैस प्लस H2 गैस गिव NH3 गैस, बराबर. N2 प्लस 3H2 गिव्स टू NH3, बराबर. इधर इनके कंबाइन होने का रेशियो क्या है बोलो? 1:3:2. एग्री? से समथिंग है सुनो. मतलब 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन्स विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव यू 4 लीटर या 2 लीटर? आया समझ में? कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? 4 वाला या 2 वाला? 2 वाला. नहीं समझा? तो इसने ही बोला था एट आइडेंटिकल कंडीशन, एट गैसेस कंबाइन इन अ सेम वे, इन अ सिमिलर वे एज देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट. गैसेस उसी रेशियो में कंबाइन होगा, गैसेस उसी तरीके से कंबाइन होगा जिसमें उनका रेशियो. आया समझ में? राइट ऑन द एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट लिखो 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ इथीन गैस of ethene gas combines with 200 ml of hydrogen gas dekha find out the volume of find out the volume of ethane gas produced. क्या आंसर हो जाएगा? 200 प्लस 200 400 ना? ethane gas produced. सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर? 200. समझा कैसे? 200 प्लस 200 200. वो प्लस उनके लिए नहीं होता ना, समझा या नहीं समझा? क्योंकि वो बीच में प्लस रखते हैं ना, तो लोगों को यही लगता है 100 प्लस 100 200. ऐसा नहीं है, वो रेशियो में कंबाइन होते हैं. अगला क्वेश्चन. हाँ, गैसेस कंबाइन इन अ सिमिलर वे, गैसेस कंबाइन इन द सिमिलर वे एज देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट. गैसेस कंबाइन इन द सेम वे या सिमिलर वे एज देयर कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट. मतलब गैसेस उन्हीं रेशियो में कंबाइन होता है जिस रेशियो में उनका कोएफिशिएंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स लीटर हाइड्रोजन गैस.
33.6 लीटर हाइड्रोजन गैस. फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड 22.4. कैसे रेशियो उनका 1:3:2. तो जो 1 लीटर होगा वो कितना देगा 2 लीटर देगा. समझे कैसे सॉल्व किया? क्लियर है सबको? ठीक है, आपका ब्रेक है.